वहीं डोईवाला में पानी का संकट लगातार गहरा रहा है। जगह जगह लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और जल संस्थान को कोस रहे हैं। आलम यह है कि सुबह उठकर लोगों को पानी की समस्या सताने लगती है। अपनी समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण दूर दराज से पानी ढोने को मजबूर है। हालांकि यह पानी भी इन लोगों और उनके मवेशियों की प्यास बुझाने में काफी नहीं हो पा रहा है। किसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही उनके मवेशी भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत सारे लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो इनके घर में पशु भी हैं और उनको भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और जो पीने का पानी है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास में स्कूल है, मदरसा है, अभी वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो टैंकर से वहाँ पर पानी भरवाना पड़ा। यहाँ पर भी लोगों को अपने टैंकर बुलवाने पड़ रहे हैं तब जाके पानी की पूर्ति हो रही है। बहुत टाइम हो गया है, सही 3-4 महीने हो गए ऐसे दिक्कत में, आएगा नहीं आता पानी। सुबह भी बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, फिर छोटे बच्चों के साथ पानी भी भरना पड़ता है, पीने का, कपड़े, हर चीज़ की दिक्कत है। और रात में भी 2 बजे आता है, फिर किस टाइम भरे, घंटे के लिए आता है।